हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। UPSI से बिहार SI तक यहाँ हर चीज़ के सेट फ्री उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कोई भी चैनल आपको फ्री प्रोवाइड नहीं करेगा। तो मित्रों, ये सब बातें छोड़ते हैं, हम लोग बात करते हैं UPSI री एग्ज़ाम की। तो कई लोगों के मतभेद अलग अलग आ रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, जनवरी में होगा, दिसंबर में होगा या फरवरी में होगा। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे एकदम स्पष्ट रूप से कि अगर आप यूपी से हैं तो अच्छी बात है, जानते होंगे। अगर आप यूपी से नहीं हैं तो आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में तीन अखबार सबसे ज़्यादा चलते हैं, पहला दैनिक जागरण, दूसरा अमर उजाला और तीसरा हिंदुस्तान। और इन तीनों ने ये बात एकदम साफ साफ लिख रखी है कि एग्ज़ाम 5 से 25 दिसंबर के बीच होगा। तो ये मानना लाजमी है कि एग्ज़ाम हो सकता है, 70 से 80% तो एग्ज़ाम 5 से 25 दिसंबर के बीच होगा। लेकिन बात करते हैं वो 30% की जिसमें हम लोगों को ना की संभावना है, तो वो केवल इस बात पे है कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई ऐसी सूचना नहीं प्राप्त हुई है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि एग्ज़ाम 100% 5 से 25 दिसंबर के बीच ही होगा। तो दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पे चेंजेस हैं वो अंत के 15 दिनों में भी हो सकते हैं, यानी 15 नवंबर या 16 नवंबर के आसपास वो बदलाव कर सकता है अपने ऑफिशियल वेबसाइट के पेज पे कि एग्ज़ाम आपका 5 से होगा, 6 से होगा, 10 से होगा। तो आप ये सोच के बिल्कुल भी ना घबराएं कि एग्ज़ाम आने वाला है और ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई बदलाव नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं दिसंबर में। ऐसी अगर आप लोगों के पास सोचना है तो वो बिल्कुल गलत है, आप उसको बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। तो एग्ज़ाम हो सकता है 5 तारीख से, इसमें अभी कोई संदेह नहीं है। हो सकता है, होगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हो जरूर सकता है। आगे बात को बढ़ाते हैं तो आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा सर अभी तो कोई भी चेंजेस नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इसका मतलब एग्ज़ाम नहीं होगा। अरे भाई, आपके पास समय है, जितना लेट होता है उतना आप पढ़ सकते हैं, उतना अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, तो आप तैयारी पर ध्यान लगाइए। एग्ज़ाम तो कभी ना कभी होगा ही, मतलब दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब 5 से हो, 10 से हो, 20 से हो या 25 से, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप ये सब बातें छोड़कर अपना पूरा पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगा